नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल रेखास किचन कॉर्नर में। तो आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है दाल बुखारा। दाल बुखारे को मैं हेल्दी क्यों बता रही हूं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दाल बुखारे की रेसिपी जनरली छिलके वाली उड़द दाल की बनाई जाती है, लेकिन मैं ये दाल बुखारे की रेसिपी मूंग दाल की बनाऊंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप या 100 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल। दाल को मैंने रात को भिगोने के लिए रख दिया था और लगभग 6 घंटे तक फूलने के बाद अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है और इसमें मैं सारे दाल को डाल दूँगी। जितनी दाल है उसका डबल हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने पहले से ही 2 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। आप चाहे तो टमाटर को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। तो अपने स्वाद अनुसार मैं थोड़ा नमक अभी डाल रही हूँ और थोड़ा नमक बाद में डालूंगी। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। और जब 5 सीटियां कंप्लीट हो जाएंगी तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे रेस्ट करने देंगे। जब तक दाल पक रहा है तब तक हम पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1/2 कटोरी बारीक कटे हुए हरा धनिया पत्ता। यहाँ पे मैं 2 से 3 लोगों के पराठे के हिसाब से आटा लगा रही हूँ। आप अपने घर के लोगों के हिसाब से आटा कम या ज्यादा लगा सकते हैं। तो सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड। आप रिफाइंड की जगह घी भी डाल सकते हैं। तो रिफाइंड को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर लेंगे। रिफाइंड अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसे गूंदना शुरू करूंगी। आटे को ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा गीला गूंदेंगे। जैसा नॉर्मल हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदेंगे, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और गूंदते जाएं। दम से ज्यादा पानी डालेंगे तो ये आटा गीला भी हो सकता है। मैं दाल बुखारे के साथ खाने के लिए ये पराठे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो बिल्कुल सादा पराठा बनाएं, रोटी बनाएं या पूड़ी बनाएं या फिर चावल भी बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप बना के दाल बुखारे के साथ खा सकते हैं। तो देखिए लगभग आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर रेस्ट करने के लिए कहीं रख देंगे और वापस चलते हैं अपने दाल बुखारे की तरफ। तो देखिए 5 सीटियां लग चुकी हैं और दाल भी हमारा बॉईल हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ दाल गला है कि नहीं। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। तो 1-2 मिनट तक हम इसे कलछी से चला चला कर मैश कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं दाल बुखारे के तड़के की तरफ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, इसे चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के पहले से ही रख लिया था। तो प्याज को भी हम ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज लगभग फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और जीरा काली मिर्च का पेस्ट। ये होममेड पेस्ट है, आप भी इसे इजीली बना सकते हैं। इस पेस्ट को भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और जब यह अच्छी तरीके से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो इन सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक।
अगर आपको लगे कि मसाला तले में चिपक रहा है या जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मैं इसे ढक दूंगी और एक मिनट तक धीमी आंच पर पकने दूंगी। तो लगभग एक मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं। हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इस टाइम नमक डालते हुए हम एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि हमने पहले से भी नमक डाल रखा है तो उस हिसाब से ही नमक डालें। मसालों में नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए दाल। दाल को मसाले में डालने के बाद इसे लगभग एक से दो मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दाल को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एक कप पानी डाला था जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आप इसमें पानी डालना ना भूलें। तो जब आपको दाल का ये टेक्सचर दिखे तो समझिए आपका दाल बनकर लगभग तैयार है। और तब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच बटर और दो बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो इसमें दूध वाली मलाई भी डाल सकते हैं। तो दाल में क्रीम और बटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम धीमी आंच पर दाल को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। दाल बुखारा या दाल मखनी जैसी चीजें बनने में काफी घंटे लगते हैं। कहीं ना कहीं मैंने आपको इंस्टेंट दाल बुखारे की रेसिपी बनाकर दिखाई है और इस रेसिपी को बनाने में मुझे कम से कम 40 से 50 मिनट लग चुके हैं और ये दाल बुखारा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है और साथ ही साथ एक चम्मच बटर भी डाल दिया है। तो दाल बुखारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके साथ खाने के लिए हम बनाते हैं पराठे। पराठे का आटा सेट हो चुका है, इसे एक दो बार और गूंद लेंगे ताकि आटा बिल्कुल चिकना सा हो जाए और इसके पराठे अच्छे से बन जाए। इसमें लेंगे थोड़ा सा सूखा हुआ गेहूं का आटा और इसकी लोइयां काटना शुरू करेंगे। आप लोइयां छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो चलिए इसे हम बेल लेते हैं। मैं इसे नॉर्मल गोल गोल रोटी के आकार का ही बेलूंगी। अगर आप चाहे तो इसे तिकोना या चार कोने का भी बना सकते हैं। पराठे बेल के तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम पराठे और लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल लगा लें या फिर घी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर से इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे। जब दोनों तरफ अच्छी तरीके से तेल लग जाए तब हम इसे स्पैचुला या किसी कलछी की सहायता से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से हम बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारे पराठे और दाल बुखारा की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों हमारी आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।